हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी हमारे देश में नहीं पूरे ही विश्व भर में चल रहा है ट्रेंडिंग, जो कि है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, चाइना से शुरू हुआ ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस कोरोना वायरस के बारे में ही बताऊंगा कि ये वायरस अब तक किन किन कंट्रीज़ पर जा चुका है और कितने लोगों की जानें ले चुका है। दोस्तों, इंडिया भी इसमें शामिल है और दुख की बात यह है कि हमारे देश से भी दो लोगों की जानें जा चुकी है इस खतरनाक कोरोना वायरस से। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कोरोना वायरस से कितने केसेस आए हैं, कितने की डेथ हो चुकी है, कितने रिकवर हुए हैं, बचाया जा चुका है गवर्नमेंट से और डॉक्टर्स के द्वारा, प्रिकॉशंस क्या क्या अपनाने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव अपडेट दूँगा और आगे जैसे जैसे समय बीतेगा, होना तो ऐसा नहीं चाहिए बट क्या कह सकते हैं कि डेथ रेट्स जो है वो इंक्रीज होंगे, बट ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि प्रिकॉशंस अपनाने से बहुत सी डेथ्स रुक जाएंगी। तो हमारे जो काबिल डॉक्टर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, वो डेथ्स को रोकने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो में एनालाइज करते हैं पूरा कि कितने केसेस हैं, कितने की डेथ हुई है एटेक्स्ट्रा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये जिस वेबसाइट पे मैं देख रहा हूँ उसका नाम है वर्ल्ड ओ मीटर, ठीक है, वर्ल्ड ओ मीटर, ठीक है। इसमें जो वायरस है ये है कोरोना वायरस, ठीक है, और कोरोना वायरस को इंडिकेट किया जाता है COVID-19 से, ठीक है। COVID-19 मीन्स कोरोना वायरस। अगर किसी के अगर कोई भी व्यक्ति या पर्सन कहीं अपना टेस्ट कराने जाते हैं और अगर उसके टेस्ट में COVID-19 पॉजिटिव निकल रहा है, मीन्स उसको कोरोना वायरस हो चुका है, ठीक है। तो इसका ये था, ये देखिए लास्ट अपडेट में आपको बता रहा हूँ 16 मार्च का है, ठीक है, 16 मार्च का। जैसे जैसे डेथ इंक्रीज होगी या ज़्यादा कुछ और भी घटनाएँ घटेगी कोरोना वायरस से रिलेटेड, मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए कोरोना वायरस के केसेस अब हैं वो 1,79,657 तक पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने लोग इस इंक्रीज के कारण लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ रही है, ठीक है। अब जो डेथ रेट्स हैं हम उन पे नज़र डालते हैं, वो हैं 7,000। देखिए दोस्तों, तो ये जो संख्या वो 7,000 के पार जा चुकी है। ये जो डेथ रेट्स हैं वो 7,069 केसेस जा, जो डेथ्स हैं वो 7,069 के हो चुके हैं दोस्तों। और इसमें से मैं आपको बता दूं, जैसे सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा डेथ्स चाइना से ही हुए हैं, ठीक है। आगे देखते थे कि रिकवर में अच्छी बात यह कि 78,287 लोगों को बचाया जा चुका है और उनको रिकवर करवा चुके हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ एक्टिव केसेस के बारे में जो अभी चल रहे हैं। तो देखिए 94,301 तो एक्टिव केसेस हैं, यानी अभी भी जो पेशेंट्स हैं वो इन्फेक्ट हैं करंट में, ठीक है। और जो क्लोज्ड है जिनको हम बचा चुके हैं वो 85,356 है। तो अच्छी बात है कि डॉक्टर्स ने की वजह से हम इतने पेशेंट्स को बचा चुके हैं, ठीक है। अब इनके ग्राफ्स को भी हम नज़र डालते हैं, तो देखिए कितने सारे केसेस थे जिनकी वजह से, देखिए ये वायरस जनवरी से शुरू हुआ था, एक्चुअली ये जनवरी के फैलने से धीरे धीरे ये चाइना में फैल रहा था। और इस वायरस को एक्चुअली में पेंडेमिक वायरस की कहा जाता है। तीन तरह के वायरस होते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। तो ये पेंडेमिक टाइप का है, क्यों? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है एक बार में, समझ रहे हैं ना आप जी। तो वायरस तो एंड ऑफ दिसंबर से चालू हो चुका था चाइना में, बट धीरे धीरे ये इंडिया की ओर आया
और पूरे वर्ल्ड में इसका प्रभाव आप सभी को देखने को मिल रहा है। और ये डेथ्स देखिए कितनी इंक्रीज़ हो रही है डेथ, ये तो केसेस है चलिए लेकिन डेथ भी साथ में इंक्रीज़ हुई है जैसे जैसे। अब मैं आपको कंट्री वाइज बताता हूँ कि क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये आगे हमारा पूरा टेबल देखिए। सबसे पहले तो चाइना टॉप में ही है बिकॉज उनकी ही देन है जो कि पूरी दुनिया भोग रही है कोरोना वायरस। अकेले चाइना में ही 80,880 केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से कि अभी अभी न्यू केसेस जो है वो 36 दर्ज किए जा चुके हैं एंड 3,213 लोगों की मौतें हो चुकी है चाइना में ही। और अभी अभी 14 लोगों की मौतें अभी ही हुई है, समझ सकते हैं। रिकवर भी उनने बहुत से लोगों को करवा चुका है, आप देख सकते हैं चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की है। काश वे पहले से ही इतने प्रिकॉशंस अपनाते तो मुश्किल ही होता कि वो ये वायरस कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैले। इसके बाद आता है नंबर इटली का। इटली में 27,980 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से कि 2,158 लोगों की मौतें हो चुकी है दोस्तों। और अभी इटली की स्थिति बहुत बुरी है क्योंकि इटली ने शुरू में ही इस वायरस को बहुत लाइटली ले लिया रहा जो कि आज वो भोग रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इटली में ही सबसे ज़्यादा मौतें अभी हुई है। देखिए चाइना में तो 14 है लेकिन इटली में 349 लोगों की डेथ्स हो चुकी है। फिर उसके बाद आता है ईरान। देखिए ईरान और चाइना में ही शुरू हुआ था वायरस लेकिन इटली सेकंड पोजीशन पे आके ईरान को छोड़ के, क्योंकि ईरान ने अपने आप अपनी कंट्री में प्रिकॉशंस बनाए रखा और लोगों की डेथ भी बहुत हुई। आप देख सकते हैं जो न्यू डेथ हुई है वो 129 हुई है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ईरान तीसरे में, ईरान और चाइना दोनों ही एक होते लेकिन इटली की लापरवाही से इटली दूसरे नंबर पर आया है। फिर स्पेन आता है, कोरिया, ऐसे ये जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, साउथ कोरिया, तो ये प्रोमिनेंट कंट्रीज़ कहलाती हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कितना प्रभाव है। ठीक है, अब हम अपने इंडिया की कंट्री को देखते हैं, इंडिया कंट्री को देखते हैं जहाँ पर इस वायरस का प्रकोप है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आ गया हमारा इंडिया। इंडिया में अभी 129 केसेस हैं, ठीक है, करंट में 129 केसेस है, जिसमें से कि अभी अभी 15 नए केसेस और आ चुके हैं और लोगों को फाउंड किया गया है कि कोरोना वायरस उनको हो चुका है, जिनमें कि 2 लोगों की मौत है अभी अभी हो चुकी है, जिसमें से कि एक 56 साल की बुजुर्ग थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, कर्नाटक से ही बिलोंग करती है वो, एंड अभी अभी एक उम्र की और हुई थी, ठीक है, और 13 लोगों को बचा भी चुके हैं हमारे, तो ये भी सही बात है। और एक्टिव केसेस अभी भी 114 एक्टिव केसेस हैं इंडिया में। वैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा रहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें, है ना। उनका ये संदेश पूरी दुनिया के लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया लाइव अपडेट कोरोना वायरस से कितने लोगों की मौत हुई, कितने केसेस दर्ज हुए, रिकवर्स हुए, है ना। आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मैं अभी कोरोना वायरस में प्रोवाइड करूंगा, जिससे प्रिकॉशंस बताऊंगा और कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, है ना। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को वीडियोज़ को शेयर करें और सावधानी बरतें दोस्तों, क्योंकि कोरोना वायरस ना अमीरी देखता है ना गरीबी देखता है, वह सभी को, किसी को भी हो सकता है जो लापरवाही करेगा। तो दोस्तों ये आपसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।